हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम बात करेंगे, हमें पीएनबी की तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है, फ्रेंड्स ग्रीटिंग फ्रॉम पीएनबी, योर रिक्वेस्ट फॉर डेबिट कार्ड इज प्रोसीड बाय ब्रांच, वी विल शेयर कार्ड डिस्प्ले डिटेल विथ यू सून रजिस्टर फॉर ई स्टेटमेंट इफ नॉट डन। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने कार्ड अप्लाई किया है या आपने न्यू अकाउंट खोला है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, तभी आपको ये मैसेज आता है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो कार्ड या ऑफलाइन, तो आपको ये मैसेज देखने के लिए मिलता है, आपको ये कार्ड कितने दिन में मिले और इसका मतलब क्या होता है पूरा बताने वाला। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो मिलते रहती है, और लाइक भी कर देना प्लीज़ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम अपने मैसेज में जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा हमको एक मैसेज आता है, तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना उसका मतलब क्या हुआ और आपका कार्ड कब तक आपके घर पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा ग्रीटिंग फ्रॉम पीएनबी, मतलब हमारे तरफ से ग्रीटिंग आपको दे रहे फ्रेंड्स पीएनबी वाले आपको अपने तरफ से। योर रिक्वेस्ट फॉर डेबिट कार्ड इज़ प्रोसीड बाय ब्रांच, जो आपने रिक्वेस्ट किया था फ्रेंड्स डेबिट कार्ड के लिए या आपने न्यू अकाउंट खोला था, वो प्रोसीड हो चुका है, आपका कार्ड बन चुका है फ्रेंड्स, मतलब उसमें बन चुका है और वो प्रोसेस हो चुका है। और वो बोल रहे फ्रेंड्स, जब डिस्पैच होगा, ब्रांच विल शेयर कार्ड डिस्पैच डिटेल विथ यू सून। अब आपका जो कार्ड का डिस्पैच है, जो उसकी डिटेल है, उसको ट्रैक करना है, वो आपको एक मैसेज में मिलेगा, आपको शेयर करेंगे ब्रांच वाले। वो बोल रहे हैं जल्द से जल्द हम आपको कार्ड का ट्रैकिंग नंबर देंगे, तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी होएगा, उससे आप अपना कार्ड को ट्रैक कर सकते हो, आपका कार्ड कहाँ पहुँचा और कहाँ नहीं पहुँचा, तो आपको मालूम पड़ेगा ये एरिया में है आपका कार्ड। तो वो डिस्पैच की जो डिटेल होती है वो आपको देंगे, उससे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, मतलब आपका कार्ड है जो एटीएम कार्ड है वो बन चुका है, वो निकलने वाला है फ्रेंड्स। वो बोल रहे हैं आपका कार्ड निकलने वाला है और वो आपको एक देंगे ट्रैकिंग आईडी, जिससे आप अपना ट्रैक कर सकते हो आपका कार्ड। तो आपका कार्ड कहाँ है कहाँ नहीं है, उससे आप मालूम कर सकते हो आपके घर तक का कितने दिन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 1 से 2 हफ्ता लेता है आने में, आपके घर तक का आ जाता है। जैसे आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा तो वहाँ से आप ट्रैक करके भी पता कर सकते हो, और पोस्ट ऑफिस में अगर आपको नहीं मिलता तो पोस्ट ऑफिस में आपके नज़दीक में आता है तो वहाँ जाके या आपके ब्रांच में भी जाके ले सकते हो कार्ड। आपके घर पे ये कार्ड आता है, पर कभी कभार बहुत जिनको नहीं मिलता है कार्ड, तो आप अपने ब्रांच में जाके कार्ड को पिकअप कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे ये लिखा है कि अगर आपने स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट के लिए रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लीजिए, इस पर आपको ई स्टेटमेंट मिलेगा। जितना आप खाते में लेन देन करते हो वो आपका ई स्टेटमेंट आपके ईमेल पर आएगा, रजिस्टर ईमेल आईडी पे आता है। तो फ्रेंड्स, यही लिखा होता है। अब आपको इसके बाद ये मैसेज आने के बाद एक और मैसेज आएगा जिस पे आपका ट्रैकिंग आईडी मिलता है, आपको थोड़ा वेट करना है, 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है ये मैसेज आने के बाद, तो अपना मैसेज चेक करना है फ्रेंड्स। तो इतना ही ये लिखा रहता है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब।